सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो आज है गाइज फिलहाल 30 सितंबर एंड 26 सितंबर को मेरा बर्थडे था, बट उस दिन मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सेलिब्रेशन तो करना था नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी फिलहाल सुबह के 7:50 हो रहा है, तो अभी मैं गोलू और काजल को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि वापस मुझे स्कूटी लेकर आना है। अभी मेरा प्लान है महाकाल मंदिर जाने का, तो वही पहले इन लोगों को मैं स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ स्कूटी से, देन फिर मैं स्कूटी लेकर घर आ जाऊंगा। एक स्कूटी पे अभी फिलहाल हम 3 लोग जा रहे हैं एंड उसमें भी इन लोगों का 2 बैग, इससे ज्यादा मोटा तो इसका बैग लगता है, ये इतना मोटा, इतनी मोटी ले जाना पड़ती, इतनी मोटी ये खुद नहीं है जितना मोटा इसका बैग रहता है। उससे भी ज्यादा मोटा तू है। नहीं अभी तेरा बैग दे। अरे नहीं, मेरे बैग से ज्यादा मोटा तू है। हाँ तो मैं तो सीट पे बैठा हूँ, बैग को तो नीचे रखना पड़ता है, इधर पे पैर रखने का जगह नहीं है ये। चलो तो फाइनली अभी मैं इसके स्कूल आ गया, चलो बाय बाय टाटा, ये रहा इनका स्कूल, बाय बाय टाटा। चलो किट्टू अंदर चलो, अंदर चलो, बाहर कुछ नहीं है, चलो चलो चलो, बाहर स्कूटी है बस और कार है, चलो बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर 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 अंदर। तो भी गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है 10:13 एंड सुबह गोलू काजल को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं जिम चले गया था, सुबह सुबह ही आज चले गया। वैसे तो मैं डेली शाम में जाता था क्योंकि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी, 10 बजे तक ही जिम ओपन रहता था, आज तो मेरी सुबह जल्दी नींद खुल गई तो सुबह मैं आज जल्दी जिम चले गया। अभी पूरा पसीने से गीला हूं मैं, फटाफट से जा रहा हूं, अब नहाऊंगा एंड नहाकर फिर मैं महाकाल मंदिर जाऊंगा। अरे किसको देखो, ये आ गया मेरे पास पूंछ हिलाते हुए, किट्टू 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 किट्टू, आ जा आ जा, जितना ज्यादा इसका नेम लो उतना ज्यादा ही आएगा, ये चाटेगा, आजा आजा आजा, किटू 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 किटू। तो नहाकर अभी मैं रेडी हो गया फाइनली एंड अभी 11 बज गए एंड बाहर तो बहुत खतरनाक वाली धूप हो रही है, आप लोग देख लो, बट चलो कोई ना, अब चलता हूँ, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, फटाफट से जाकर आ जाता हूँ। अभी यार 1/2 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया मुझे यहाँ आने में, बट चलो कोई ना, फाइनली अभी मैं आ गया, इधर पे स्कूटी पार कर दिया मैंने, अब मैं चलता हूँ मंदिर, यहाँ से पास में ही है, फटाफट से चलते हैं यार, गर्मी तो बहुत खतरनाक है यार सही में। यहाँ से अभी एंट्री है, फिलहाल सब लोग जा रहे हैं, यहाँ से महाकाल मंदिर हाथ दिख रहा है, ये रहा इस साइड में, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, अभी पूरा घूम कर जाना है हमको। एंड शूज खोलते से ना अभी पूरा पैर जलने लग गया क्योंकि नीचे का ये पूरा गर्म हो रखा है, ऐसे विदाउट शूज चल रहा हूँ तो ये पूरा गर्म लग रहा है मुझे तो। दर्शन तो अभी फाइनली गाइस कंप्लीट हो गया, बट बाहर आते से ना पैर इतने खतरनाक जलन कर रहे हैं, अभी ये देखो बाहर पे ये टाइल्स पूरा गर्म हो रहा है, ये रहा सामने महाकाल मंदिर। तो ये अभी मैंने टीका भी लगवा लिया, महाकाल ओम ओम महाकाल, हो तो यार टीका लगवाना तो जरूरी है ना, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। वैसे मैं अभी फोटो खिंचवाने गया एंड इतनी देर में यार पैरों की मेरी तो हालत खराब हो गई, जल गया नीचे से पैर मेरा। अब फिलहाल चलते हैं बाहर फटाफट से, यहाँ पे दर्शन वगैरह तो कंप्लीट हो गया तो अब ऊपर धूप में रहने से कोई फायदा है नहीं। तो ये है यहाँ पे अब एग्जिट गेट, यहाँ से पूरा घूमते हुए वापस जाना है, ये पेड़ के कारण ना मंदिर छिप जाता है। सुबह से ना मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया इधर पे बहुत कुछ खाने की चीजें दिख रही है मुझे, बट अभी मैं नहीं खाऊंगा, अब डायरेक्ट मैं घर जाकर ही खाऊंगा। गाइस देखो अभी तक ना मेरा सिर्फ पैर जल रहा था, बट अब आई थिंक मेरा पूरा शरीर जलने वाला है क्योंकि अभी ये जो सीट है ना, ओ माय गॉड, इसको से छूने में ये इतना गर्म हो रखा है। यहाँ पे बाहर स्कूटी धूप में खड़ी थी ना तो ये पूरा जलने लग गया, अब इस पे मैं बैठूंगा तो मेरा बम सब कुछ जल जाएगा यार, मैं कैसे बैठकर चलूंगा, बट चलो कोई ना, अगर मैं पानी लेकर आता तो पानी डाल देता, थोड़ा ठंडा हो जाता, क्या ही करे, चलो ऐसे ही बैठते हैं और क्या। जल गया यार मैं तो, पूरा जल गया स्कूटी पे बैठते से ही। चलो कोई ना, अब मैं फटाफट से घर भागता हूँ, अभी 12:30 बज गया, अप्रोक्स 1 घंटा लग गया यहाँ पे पूरा मंदिर दर्शन कम्प्लीट करने में, तो हाँ अब मैं घर निकलता हूँ फटाफट। फाइनली गाइज बैक टू होम, अभी यार हालत खराब हो गई धूप में बाइक चलाते हुए, बाइक सॉरी स्कूटी चलाते चलाते, इसको देखो ये परेशान हो रहा है इधर पे, मुझे प्यार करवाया हो तो, किट्टू 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 किट्टू, हाँ अच्छा है तू घर में है, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरनाक धूप है। मैं अभी अब जा रहा हूँ फेस वॉश करने, तो ये पूरा टीका धुल जाएगा, बाइक चलाते हुए ना, बाइक
बाइक ही यार मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है, स्कूटी चलाते हुए मतलब पूरा वो धूल वगैरह सब कुछ डायरेक्ट मुंह पे आता है ना, तो पूरा मुंह पे ऐसा धूल धूल भरा हुआ है, तो वही पहले मैं जा रहा हूँ फेस वॉश करता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ एंड देन फिर जाता हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया। सुबह मैं ना सिर्फ 2 केला खाया था, वो खाकर जिम गया एंड उसके बाद अभी 1 बज गया, 1 बजे तक और कुछ भी नहीं खाया केला के अलावा। वहाँ भी अब खतरनाक वाली भूख लग रही है, हाथ मुंह धोकर फटाफट चलता हूँ लंच करने एंड फिर 2 बजे गोलू काजल को स्कूल से लाने भी जाना है वापस। तो ये रहा अभी मेरा लंच, दाल चावल और सलाद है और किट्टू भी यहीं पे बैठा हुआ है, तो फटाफट से अभी मैं लंच करता हूँ। लंच अभी मेरा कंप्लीट हो गया एंड अभी फिलहाल दोपहर के 2 बज गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ गोलू काजल को स्कूल से लाने, 2 बजे उनकी छुट्टी होती है ना, तो चलो फटाफट से जाता हूँ। तो हमेशा की तरह आज भी मैं लेट ही पहुंचा इन लोगों का स्कूल, 5 या 10 मिनट लेट ही पहुंचा, 5-10 मिनट पहले ही छुट्टी हो गई थी। तो चलो अब चलते हैं, बसेस तो सारी चली गई, ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सारे बस इधर से गायब, बस सिर्फ हम लोग बचे हुए हैं। चलो बैठो, लास्ट हम लोग चल रहे हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं एक ही दिन में पूरा काला हो जाऊंगा, क्योंकि सुबह से मैं बस धूप में ही घूम रहा हूँ। सुबह जिम गया, जिम से आया, फिर महाकाल मंदिर गया धूप में ही, फिर वहाँ से आया, अभी इनको स्कूल से लाने गया एंड अभी भी माँ को लेकर सेरा जिम जाना है, वहाँ से आना है, तो पूरा यार मतलब दिन भर धूप में ही, और बाहर धूप तो मतलब इतनी खतरनाक हो रही सही में। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी कोचिंग से आ गई हूँ एंड अभी हम लोग यहाँ पे गार्डन में शॉर्ट रिकॉर्ड करने आए हैं। भैया आगे बता क्या रिकॉर्ड करना है। देखो मैं अभी जूते वाला बनूंगा, जूते वाला अरे मतलब जूते बेचूंगा ऐसा, तो जूते वाला ही बन, ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। सुनो सुनो, मैं जूते वाला बनूंगा लेकिन इसको जूता खाना है। बहुत हंस रहा है ना, मैं जूते वाला हूँ तो हंस रहा है, अभी जब जूता खाएगा तब पता चलेगा, मजा आएगा। कैसा लगेगा तेरे को जूते खाके? जूते खाने हैं। हाँ। देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे शूज लेकर बैठा रहूंगा, वो दे इधर पे, ये हो गया ठीक। अब मैं यहाँ पे शूज लेकर बैठा रहूंगा, तुझे इधर से किधर से भी आना है, ठीक, जा उस साइड से आ। चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट्स। यस गाइस, स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जूते ले लो, जूते, जूते वाला जूते ले लो, 100 के 2 जूते। जूते कैसे है? 100 के 2 जूते है, 100 के 2 दे दो। चलो अच्छा बैठो बैठो। भैया कैसा लगा जूते लेकर? ये क्या था? जूते तूने ही तो बोला 100 के 2 जूते। मुझे लगा देगा, खरीदने में तो आया था यार। गोलू भैया इसमें तो तेरी बेइज्जती ज्यादा हो गई। अभी जूते वाले पे हंस रहा था ना, बोल रहा था जूते वाला है, पता चल गया। कैसा लगा गोलू भैया? ये था जूते का गाइस असली काम, समझ गए, इसलिए मुझे जूते वाला बनना पड़ा था। जूते किसी को जूते मारने के लिए, एक बात है, बट हर कुत्ते का दिन आता है। तेरा दिन आ गया, इस कुत्ते का दिन आ गया, तेरा बेइज्जती गोलू भैया की बेइज्जती। एक बात बताऊं मैं, सच देखो शॉर्ट्स वीडियोस गाइस हम लोग बनाते है ना, तो मतलब एक होता है ना लाइक बनाने के बाद लोग जब देखते हैं, आप लोग जब देखते हो तो देखने पे मजा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, हंसी आती है, बट हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो बनाने से ज्यादा हम लोगों को खुद को हंसी आती है, मतलब इतनी हंसी आती है। एक लाइक एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है उसके लिए 5-6-10-10 टेक लेते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो गया, जैसे अभी ये शूज वाला हमने रिकॉर्ड किया, ये 5 बार करने के बाद फाइनल हुआ हम लोगों को, 5 बार ये बेचारा 2-2 जूते खा गया, खाए जा रहा है, हंसी ज्यादा आ जाती, कंट्रोल नहीं कर पाता, 10 जूते टोटल इसने खा लिए अभी तक। फाइनली अभी हमारा रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अब घर चलते हैं, धूप भी हो रही है यार, वैसे तो अब शाम हो गई, अब धूप थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। चलो चले, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अच्छा मेरी कॉपी करने में लगे हैं ये दोनों, बस तुम दोनों नहीं हो, मैं ऐसा हूँ। शॉर्ट वीडियो में देखना गाइस, मैं ऐसा हूँ, बस मैं कॉपी कैट, निकलो चलो घर चलो, वरना पैदल आते रहना, मैं बाइक से जा रहा हूँ। वैसे भैया ये बता, ज्यादातर अपन यहीं क्यों आते हैं रिकॉर्ड करने शॉर्ट वगैरह? अरे देखो बात यह है कि ये जो गार्डन है ना, ये कॉलोनी से बाहर साइड है, लाइक यहाँ पे इतना ज्यादा आवाज शोर नहीं होता है और शांत एरिया, यहाँ पे बहुत कम लोग आएंगे, 2-4 लोग आते हैं, हम लोग आराम से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये अपना पर्सनल अड्डा बन चुका है। नहीं, हाँ वो तो है, कोई गार्डन में गए ना तो लोग ज्यादा रहेंगे तो हमको ही देखते रहेंगे, खुद ही नर्वस हो जाते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे, अरे ये देखो ये रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें एक तो मतलब लाइक खुद को भी अजीब सा लगता है, खुद ही नर्वस हो जाते, कुछ बोलना कुछ रहता है और बोल कुछ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मस्त शांति से शोर भी नहीं होगा, वॉइस भी बिल्कुल क्लियर, गार्डन भी बहुत अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं। किट्टू आ गए हम लोग।
किट्टू हाँ टॉयलेट मत करना आ गए हम लोग। हेलो 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 किट्टू आजा आजा भैया के पास जाओ देना आजा 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 बस टॉयलेट मत करना बस टॉयलेट नहीं करने का बाकी कुछ भी कर।